वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अनार के छिलकों के फायदे के बारे में। चलिए उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। महिलाओं में अक्सर ये देखा गया है कि जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो बोन डेंसिटी लॉस होने लगता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जॉइंट पेन होने लगता है। तो अनार के छिलके में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, ये बोन डेंसिटी लॉस को रोकता है, खासतौर पर महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान। आपको करना क्या है, 2 चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर 1 ग्लास पानी में घोल लें, इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लेना है और थोड़ा सा नमक मिला लें स्वाद के लिए, और ये मिक्स करके रात में एक बार आप इसका सेवन करें और आप देखेंगे कि मेनोपॉज के साथ में आने वाली तमाम जो तकलीफें हैं उससे आप बच जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके बाल गिर रहे हैं या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तब भी ये अनार के छिलके का चूर्ण आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपको करना क्या है, जो भी ऑयल आप यूज करते हैं उसमें बस ये छिलके का पाउडर आप मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट तक उसको पड़े रहने दें। चाहे तो हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं आप, और उसके बाद बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से मसाज करनी है आपको, और कम से कम 2 घंटे तक लगे रहने देना है। उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, माइल्ड शैम्पू कर सकते हैं, या हमने जो होममेड शैम्पू बनाया था उस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और आपकी डेंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और जो बाल गिर रहे हैं वो भी गिरने बंद हो जाएंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस तेल को रात भर लगा कर रखें और अल्टरनेट डे पर इसका इस्तेमाल करें तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दांतों की प्रॉब्लम, मसूड़ों की प्रॉब्लम या जो सांस की बदबू की प्रॉब्लम है, इसके लिए अनार के छिलके का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ होता आया है। यहाँ तक कि आजकल बहुत सारे जो टूथपेस्ट आ रहे हैं या जो दंत मंजन आते हैं उसमें आज भी अनार के छिलके का इस्तेमाल होता है। तो आप कैसे अनार के छिलकों के साथ अपनी दांतों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सांसों की बदबू की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच अनार का पाउडर लेना है, मतलब सूखे हुए छिलकों का पाउडर, और 1 ग्लास पानी में इसको अच्छी तरह से घोल लेना है। घोल के थोड़ा सा आप चाहें तो इसको बॉईल भी कर सकते हैं, उसके बाद ठंडा होने दें, और इससे आपको गार्गल करना है दिन में 2 बार। कुछ ही दिनों के अंदर सांसों की बदबू की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपके मसूड़े सूज गए तो आपको क्या करना है, इस पाउडर से अच्छी तरह से मसाज करनी है। ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, अगर दांतों मसूड़ों से खून आ रहा है तो भी अगर आप इस पाउडर से अच्छी तरह से मसाज करेंगे 5 मिनट तक और उसके बाद कुल्ला कर लेंगे तो आप देखेंगे कि मसूड़ों की सूजन भी गायब हो जाएगी और जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके दांत हिल रहे हैं या दांत गिरने की कगार पे हैं तब आपको क्या करना है, ये पाउडर लेना है आपको, अनार के छिलके का पाउडर, इसमें 1 चुटकी आपको काली मिर्च मिला देनी है और चाहे तो आप थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से जहाँ पे जो दांत आपका हिल रहा है वहाँ पूरी तरह से अच्छी तरह से मसाज करनी है दांतों पे, और मसाज करने के बाद 10 मिनट तक इसको लगे रहने देना है और 10 मिनट के बाद आप कुल्ला कर लें। आप देखेंगे कि आपका जो दांत गिरने वाला था वो नहीं गिरेगा, जो हिल रहा था दांत वो वापस से पकड़ आ जाएगी उसमें और वो हिलना बंद हो जाएगा। तो दांतों की किसी भी प्रॉब्लम के लिए अनार के छिलके का आप इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर आपको हेमोराइड्स है, पाइल्स है या डायरिया हो रहा है और ब्लीडिंग आ रही है, उस सब में भी ये अनार का छिलका बहुत ही लाभदायक होता है। उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।